आरक्षण बिल को जनगणना और परिसीमन से रोकने का से जोड़ने का कोई कारण नहीं है। मोदी जी ने खामखा 16 साल के लिए 2039 के लिए इस बिल को टाल दिया है। उसी तरीके से ये भी एक चुनावी शगुफा कह लें या जुमला कह लें या पाखंड कह लें, वही है। महिला आरक्षण बिल को जनगणना और परिसीमन से रोकने का से जोड़ने का कोई कारण नहीं है। मोदी जी ने खामखा 16 साल के लिए 2039 के लिए इस बिल को टाल दिया है। कांग्रेस पार्टी का सीधे सीधे ये कहना है कि आप महिला आरक्षण का फायदा 2024 से दीजिए। जब कांग्रेस ने बिना शर्तों के समर्थन दिया है तो आप दो शर्त क्यों लगा रहे हैं? अगर इस बिल को 16 साल के लिए टाला जाना था तो विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? ये आनन फानन में आप क्यों बिल लेकर लाए? वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि चुनावी हार सुरसा के समान मुंह बाय सामने खड़ी है और इसीलिए डूबते हुए मोदी सरकार को महिला आरक्षण का सहारा चाहिए। लेकिन महिलाएं भी ये बात अच्छे से समझ चुकी हैं कि जैसे उज्ज्वला योजना का झुंझुना पकड़ाया था और एक साल के भीतर 40% महिलाएं फिर चूल्हा फूकने पर आ गईं, उसी तरीके से ये भी एक चुनावी शगुफा कह लें या जुमला कह लें या पाखंड कह लें, वही है कि चुनाव में 2024 में किसी तरीके से जो पैरों के नीचे से सियासी जमीन खींच रही है वो बच जाए। लेकिन देश की जनता और खासतौर से महिलाएं तो बहुत अच्छे से समझती हैं क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा ये पीड़ा भुगतनी पड़ती है जब मोदी जी का 15 लाख रुपया देने का जो वादा है वो झूठा होता है, जब 2 करोड़ नौकरी देने का वादा झूठा होता है, जब किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का वादा झूठा होता है, जब बुलेट ट्रेन का वादा झूठा होता है, जब पेट्रोल और डीजल को 40 रुपए तक लाने का वादा झूठा होता है, जब रुपए और डॉलर को समांतर बनाने का वादा झूठा साबित होता है। तो देश की महिलाओं को बरगलाने की बजाय मैं ये निवेदन करती हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये शर्तों के आधार पर महिला आरक्षण बिल को ना आप लागू करने की कोशिश करें, त्वरित इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो महिलाएं दोहरी मार झेल रही हैं, जो ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, कोटा विद इन कोटा होना चाहिए और जनगणना जो होने वाली है वो कास्ट बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि देश में नीति निर्धारण तभी सही हो सकता है जब हमें पता हो कि कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने ओबीसी, कौन सी महिलाएं दलित हैं, कौन सी महिलाएं ओबीसी हैं, संख्या क्या है। ये सारी बातें अगर पारदर्शिता के साथ जनता के बीच में आएंगी तभी मुझे लगता है नीति निर्धारण सही होगा।